मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला भिवंडी। झांसी से बरामद हुई मुमरा की 14 साल की लड़की। मनपा ने 40 केबिनों पर चलाया बुलडोजर। मेडिकल सेंटर में दिया गया कोरोना वैक्सीन। 40 पाकिस्तानियों को कैसे निकाला गया देश से बाहर। ये सब खबरें हम आपको अपने टॉप 5 में दिखाएंगे, मगर सबसे पहले आपको भिवंडी शहर की खबर दिखाते हैं। भिवंडी शहर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया है। एक शख्स को 3 गोलियां लगी हैं। भिवंडी के पाए गांव में गोलियां चली हैं। बताया जा रहा है कि पाए गांव में क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट देखने के लिए विक्की महत्रे और प्रफुल्ल तागड़े नाम के 2 शख्स भी गए थे, मगर रास्ता पतला होने की वजह से दोनों की गाड़ियां आमने सामने आ गई और दोनों गाड़ी पीछे लेने को कोई भी तैयार नहीं था, जिसको लेकर विक्की महत्रे और प्रफुल्ल तागड़े के बीच में कहासुनी हुई और विक्की महत्रे ने प्रफुल्ल पर फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक 5 गोलियां चलाई गई, जिसमें 3 गोलियां प्रफुल्ल को लगी। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं भिवंडी शहर से भी दूसरी खबर है। भिवंडी शहर के निजामपुरा महानगर पालिका क्षेत्र के खांडूपाड़ा में अतिक्रमण पर मनपा ने बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 40 केबिनों को मनपा ने तोड़ दिया है। इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि पिछले ही महीनों में इस केबिनों को बनाया गया था और जहां इस केबिनों में लोग अपना रोजगार भी शुरू कर दिए थे, मगर मनपा की कार्रवाई में 40 केबिनों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। थाने क्राइम ब्रांच ने मुमरा कौसा से भगाई गई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को उत्तर प्रदेश के झांसी से बरामद कर लिया है। दरअसल मुमरा कौसा की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति ने दिल्ली बुला लिया और 21 जनवरी को 14 वर्षीय लड़की ने फिरोजपुर एक्सप्रेस 02137 से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। मुमरा पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई थी और पुलिस हरकत में ही थी, और तभी क्राइम ब्रांच के अबू तालिब शेख को इस लड़की के बारे में जानकारी मिली। अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की एक टीम यूपी के लिए रवाना हुई और रेलवे पुलिस की मदद से 14 वर्षीय लड़की को झांसी में ही ट्रेन में तलाशी के दौरान बरामद कर लिया गया और अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के गोंडा में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण गोंडा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अनीता मिश्रा को और उनकी टीम को दिया गया है। अनीता मिश्रा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं डॉक्टर अनीता मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ गोंडा मेडिकल सेंटर में। आज सारे गोंडा मेडिकल सेंटर का मेरे स्टाफ को कोविड का वैक्सीन लगा है। आर्यन पांडे हॉस्पिटल में हम लोगों का वैक्सीन आज हुआ है और सारे स्टाफ का कंप्लीट हो गया है। हमारे किसी ना मुझे ना किसी भी स्टाफ को कोई प्रकार का साइड इफेक्ट हो रहा है। वही तुर्की ने अवैध रूप से रह रहे 40 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया है। पाकिस्तान की केंद्रीय जांच एजेंसी ने 40 पाक नागरिकों को प्रतिपित की पुष्टि की है। यह पाकिस्तानी तुर्की के अलग अलग शहरों में अवैध रूप से रहते थे। तुर्की से भेजे गए 40 पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं तुर्की ने 1 अप्रैल 2019 को भी 47 पाकिस्तानियों को, जो अवैध रूप से तुर्की में रह रहे थे, उन्हें भी पाकिस्तान भेज दिया था। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।